हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जीरो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टैगोर जी कंप्यूटर्स एक लंबे समय से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जॉब्स की जानकारी देता आ रहा है, और अब टैगोर जी कंप्यूटर्स अपने इस चैनल टैगोर जी जॉब के द्वारा भी आपको जॉब्स की जानकारी देने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो किसी जॉब्स की जानकारी के बारे में नहीं है, बल्कि आज की वीडियो सेक्शन 134 के तहत गरीब व आर्थिक तौर पर कमज़ोर बच्चों को मिलने वाली फ्री शिक्षा के बारे में है। मतलब कि कोई भी बच्चा जैसे जो कि बीपीएल परिवार व आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें मतलब कि जिस परिवार की सालाना आमदन 2 लाख रुपए से कम है, वो बच्चा व उसके माता पिता इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या क्या इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यताएं व दस्तावेज आवश्यक हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम बात कर रहे थे 134 से फ्री एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 के बारे में। हरियाणा सरकार हर वर्ष ऑनलाइन आवेदन निकालती है जो बच्चे गरीब व आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। 134 के तहत उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और इसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म भरना होता है। और इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें कि सबसे पहले है आपका बच्चे व उसके पे उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड, और दूसरा इसमें है बीपीएल राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट। जो इसमें इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका एजुकेशन पर्पस वाला ही चलेगा, इसमें इनकम सर्टिफिकेट आपका अदर देन एजुकेशन पर्पस नहीं चलेगा। और इसमें आप तीसरा जो है, इसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। जिस स्कूल में बच्चा अभी पढ़ रहा है जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है वहाँ बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर। और चौथा जो है इसमें करंट स्कूल UDISC नंबर, जो कि जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल का UDISC कोड। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर व करंट स्कूल UDISC नंबर आपको स्कूल से ही मिलेंगे। और पांचवा है इसमें मोबाइल नंबर। इसमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी सबसे पहले फॉर्म को भरने के लिए, और इसमें एक OTP जाएगा जिससे कि वेरिफिकेशन होगी और फॉर्म स्टार्ट होगा। और इसमें आपको ईमेल आईडी की भी आवश्यकता होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। एडमिशन, ये एडमिशन 134A के तहत होंगे फ्री एडमिशन, जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है उनके। और इसमें जो क्लास है वो है सेकंड से लेकर 10वीं तक व 12वीं। इसमें 11वीं क्लास को नहीं जोड़ा गया है, इसमें आपकी 11वीं क्लास को नहीं जोड़ा गया है। और ये जो इसकी लोकेशन है वो हरियाणा है। आप जिस भी गांव शहर में रह रहे हैं वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको क्लासेस का पहले ही बता दिया है, इसमें सेकंड से लेकर 8th और 9th से लेकर 12th। इसमें 11th क्लास नहीं है, तो 11th क्लास वाले कोई भी बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, जो कि एक जरूरी चीज है। और आगे हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है 25 फरवरी 2020 से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, और 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। इस फॉर्म को भरने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, वहां से आप इस फॉर्म को घर बैठे भर सकते हैं। जो इसकी डेट ऑफ एग्जाम है वो है 12 अप्रैल 2020, और जो एग्जाम का रिजल्ट होगा वो 2 से 3 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो ड्रॉ निकलेगा वो होगा 18 अप्रैल 2020 को। जो एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो 20 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2020 को होगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी गई है, मतलब आप इसे घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो कि हो सकता है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आपके दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए जरूर शेयर करें, ताकि अगर आपके परिवार या पड़ोस में कोई गरीब या जरूरतमंद है तो वो भी इस फॉर्म को भर पाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।